मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महंगी दाल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान मंत्रालय में भी घुसने की कोशिश की। ये लोग नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। साहिल इस वक्त हमारे साथ है। साहिल, कोशिश प्रयास अपनी राजनीतिक जमीन जो है उस पर कुछ ना कुछ मुद्दे उठाने की। देखिए, ये पहली बार है कि ऐसे मुद्दों पर एमएनएस यहाँ पर आंदोलन करने के लिए उतर आई, और मंत्रालय में जो फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्री है गिरीश बापट, उनके दरवाजे के सामने, केबिन के सामने ये प्रदर्शन किया गया है। सीधे मंत्रालय में घुस के ये प्रदर्शन किया गया है। दरअसल उनकी मांग ये थी कि जो सरकार ने 46,000 मीट्रिक टन दाल जो जब्त की थी अलग अलग रेट्स के चलते पिछले महीने में, उसके रिलीज करने के बावजूद भी तुअर दाल के दाम अभी भी घट नहीं रहे हैं। कई जगह पर दाम अभी भी 150 के ऊपर चल रहे हैं, जिसके चलते एमएनएस ने आखिरकार ये कदम उठाई। ये एमएनएस की मांग थी, और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 100 रुपए तक हम दाम नीचे लाना चाहते हैं, वहां तक तो कम से कम लेके आए। ये मांग को लेकर दरअसल ये आंदोलन किया गया। शुक्रिया साहिल, इस जानकारी के लिए आपका। की बड़ी खबर, पैलेस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों एक ही सोफे पर बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। दो दिन के इस